पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ आपको। ये लंगर ही नहीं है, ये एक्चुअली जो कोविड में लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, आप देखोगे हमने जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे डिस्टेंसिंग का है, अगर आप देखोगे मास्क भी हम लोगों को दे रहे हैं, सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं, लोगों को पानी मुहैया करा रहे हैं, और साथ में खाने का भी हमने थोड़ा रिफ्रेशमेंट रखा है। क्योंकि आप देख ही रहेंगे इस वक्त लॉकडाउन के कारण सारी दुकानें वगैरह बंद हैं, रेस्टोरेंट कोई भी ढाबा भी नहीं खुला, ये लोग बेचारे दूर दूर से आते हैं, तो इनको इतनी परेशानी है। तो बैंक ने एक आगे कदम बढ़ाकर सोसाइटी की सेवा में अपने आप को समर्पित किया है, और उसी सिलसिले में आज पहली बार बैंक ने सोचा कि हम लोगों की खिदमत के लिए कुछ काम करें, और जिसमें ये आप देखेंगे कि काफ़ी सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग से आ रहे हैं, हम उनको थोड़ा खाना रिफ्रेशमेंट भी दे रहे हैं, और साथ में सैनिटाइज़र और मास्क भी दे रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि लोग काफ़ी खुश हैं, लोग सोच रहे हैं कि हमको ये नहीं है कि हम यहाँ पर आएँ तो हमको कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो उसी में हम मदद करते हुए लोगों की खिदमत करने के लिए बैंक ने ये कदम उठाया। कितने हॉस्पिटल और कितनी जगह होंगी यहाँ पे आप अभी? क्योंकि आज हमारा ये पहला ही ये कार्यक्रम यहाँ पे है, पहला ही हमारा है, और लोगों की जो खुशी देखकर हमको लग रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि हमारे साथ भी कोई है, तो मेरे को लग रहा है ये हमारे लिए बहुत एनकरेजमेंट है। मेरे को लग रहा है शॉर्टली हम दूसरे हॉस्पिटल पब्लिक हेल्थ सेंटर में भी जाएं। आपको कोई नहीं, ये तो अपने बैंक अपने एंड पे कर रहा है, ये बैंक अपने एंड पे कर रहा है, और बैंक टाइम एंड अगेन हैज कम टू द हेल्प ऑफ द सोसाइटी। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के कितने इनिशिएटिव आए थे, बैक टू विलेज था, अनएम्प्लॉयमेंट का हुआ था, तो बैंक आगे आता है। अब ये चूंकि आपदा दूसरे तरीके की है, ये मेडिकल इमरजेंसी टाइप की सुविधा जो है, ये आपदा थी, इसलिए बैंक ने सोचा कि हम अपने एंड पे, हमको कोई वो नहीं है, बैंक अपने एंड पे, जो कि बैंक का ही, ये गवर्नमेंट का ही बैंक है, लेकिन हमने ये सोचा कि हमको मदद करनी चाहिए, और उसी सिलसिले में ये जो है आज हमने यहाँ पर ये स्टॉल लगाया।